देखिए गाइस हम पकड़ लिए हैं, अब इसको यहाँ से हम उड़ा देंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आपका भाई कुंदन और आप लोग को मेरे चैनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है गाइस। तो देखो मैं अंदर इधर आया हूँ, इधर सरसों का बार में आया हूँ गाइस, आप लोग देख पा रहे हो इधर चारों साइड सरसों लगा हुआ है। और मैं इधर आया था इसलिए क्योंकि इधर दो चार बकरियाँ आ गई थी, और मैं अंदर आया हूँ इसलिए क्योंकि बकरी का बच्चा इधर घुस गया था, खो गया था गाइस। तो फिर मैं इधर से आके निकाल रहा था और मेरा गेहूँ खा रहा था, इधर बर्बाद हो रहा था गाइस। खाता कम है और बर्बाद बहुत ज़्यादा करता है, इसलिए मैं इधर आया था देखने। उसके बाद आप लोग देख सकते हो काफ़ी मस्त सीन इधर आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए गहराई में है, अंदर आ गए हैं गाइस। इधर घुसने का जगह दिख गया है, देखो इधर से बकरी लोग घुस जाता है, खाने लगता है, इसलिए मैं इधर से आया हूँ देखने। और आप लोग देख पा रहे हो, मैं अभी इधर से अंदर जाके दिखाऊंगा और कुछ भी। और गाइस इधर से आप लोग को दिख रहा होगा इतने बड़े बड़े हो गए हैं, इधर से सरसों का पौधा और सरसों का फूल आप लोग को दिख रहा होगा, इतना येलो येलो काफ़ी मस्त सीन इधर देखने को मिलता है गाँव में गाइस। ऐसे शहर में आप लोग को नहीं मिलेगा, जैसे हम लोग गांव में एंजॉय मस्ती मिलता है ना, ऐसे शहर में काफ़ी कम ही मिलेगा आप लोग को। और गाइस आप लोग को इधर से दिख रहा होगा कि हम इधर अंदर की ओर जा रहे हैं गाइस, और आप लोग को दिख रहा होगा मेरा गला में एक ब्लूटूथ एयरफोन है गाइस। ये जो है 450 का है गाइस, लेकिन मेरे को ये डिस्काउंट करके 300 में मिल गया और मैंने खरीद भी लिया 300 में गाइस। और इधर से आप लोग को दिख रहा होगा ये जो दिख रहा है सरसों का पौधा, ये सरसों का पौधा है गाइस, और ये सरसों का पत्ता है, इसका साग बना के खाता है गाइस। आप लोग को नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग शहर के ऑडियंस है ना, मैं गांव का हूँ गाइस, झारखंड का हूँ गाइस। और दोस्तों इधर से अब ज़्यादा अंदर नहीं जाते हुए हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इधर बकरी लोग कम गांज खून दिया है, उससे ज़्यादा हम इधर दबा देंगे पैर से, इसीलिए हम अब बाहर जा रहे हैं। गाइस आप लोग को जितना दिख रहा है यहाँ चारों साइड इधर से सब मेरा ही है, आप लोग को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है क्योंकि मेरा ही है, आप ये मत सोचना किसी और का है, मेरा ही है गाइस। और भाई लोग देखो मैं इधर से घूमते ही रहता हूँ क्योंकि अभी इधर छुट्टा हो गया, गाय बैल सब छोड़ दिया गया है और मेरे को इधर मेरा फसल देखना पड़ता है, क्योंकि गाइस ये लोग इतने लापरवाह लोग हैं कि मेरे गेहूँ सरसों खिला देते हैं। इन लोग को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है गाइस, कितना मेहनत से लगाते हैं और सबको ऐसे ही खिला देते हैं। दोस्तों आप लोग ऐसा मत कीजिए। और देखिए इधर से हम अभी दौड़े हैं, और गाइस इधर से दौड़े तो मेरा पैर में कुछ लग गया है, आप लोग को दिख रहा होगा इधर। और गाइस आप लोग इधर से देख पा रहे हो काफ़ी मस्त इधर से हरा भरा लगता है, इधर से देख सकते हो इधर गाय बैल डूब जाता है, अंदर भी चल गया था, हम बाहर किए हैं और अभी सेफ है, हम भी सेफ हैं, इधर से देख रहे हैं चारों साइड से। उसके बाद दोस्तों इधर से आप देख सकते हो इधर से रास्ता, अभी गाइस मेरा इधर बारी में शायद बकरी घुस गया है, अभी आप देख सकते हैं उसे बाहर करने का मेरा तरीका कैसे होता है, अभी हम दिखाएंगे आप लोग को। फंस गया जाल में दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, अरे साला हम नहीं, देखिए गाइस हम पकड़ लिए हैं, अब इसको यहाँ से हम उड़ा देंगे। तो दोस्तों आप लोग मुझे देख लीजिए कि मुझे गुस्सा कितना आता है इधर से भेड़ बकरियों पर, और मैं अभी फिर से देख रहा हूँ शायद कोई बकरी आ रहा होगा, आया नहीं उधर ही है, बच गया, देख लो आप लोग इधर सामने से नहीं दिख रहा होगा, मैं इधर सामने से जाके दिखाता हूँ। दोस्तों इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा है ना, तो फिर दिखाना पड़ता है अपना शक्ति गाइस। तो मेरा बैर से बकरी को निकालने का मेरा तरीका अलग थोड़ा है, बट अलग है लेकिन मस्त है गाइस, इससे बकरी लोग सीख भी जाता है कि अगला बार से घुसना नहीं है अंदर। और आप लोग इधर देख सकते हो बहुत सारी बकरी आ गई है, लेकिन मैं इसके अंदर आने का वेट कर रहा हूँ। गाइस आप लोग इधर से देख सकते हो इधर से अंदर जाने का कितना रास्ता बना दिया गया है, और ये काम बैल का है और बकरी लोग का है दोस्तों। और आप लोग देख पा रहे हो इधर से मैं अभी भाग रहा हूँ, और मेरे को लग रहा है ना कि मैं यहीं पे रहूँ क्योंकि इधर से बहुत ज़्यादा ही नुकसान कर रहे हैं ये लोग बकरी लोग गाइस, और इधर से मेरे को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है गाय बैल से। और देख सकते हो आप लोग मैं वो साइड से ए साइड आ गया, इधर से पूरा रास्ता खाली बना दिया गया है, ये लोग बदमाशी करते हैं ना, बैर बकरी लोग, बस तो दिमाग ही नहीं होता। तो फिर
गाइस आप लोग देख सकते हो मेरा कितना तरीका यूनिक था इससे बाहर करने का। अगर आप लोग चाहते हो कि आपका वाला ऐसा ना हो तो आप लोग ऐसे पकड़ के रखो, ऐसे ना छोड़ो खुले में।